ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप का कांसेप्ट। एंड जो गाइस, ये हमारा कांसेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड गाइस, जब आप इस फोटो को एडिट करोगे तो गाइस आपको जो है आपकी फोटो मतलब बैकग्राउंड से थोड़ी अलग लगेगी, क्योंकि गाइस इसमें जो है कलर करेक्शन का जो पार्ट है गाइस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब तक उसको ध्यान से नहीं देखोगे आपकी फोटो बिल्कुल बैकग्राउंड से मैच नहीं होगी। तो गाइस आप वाला पार्ट जरूर देखना। बाकी गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस आप सभी कुछ स्टेप्स यहां पे अपने मॉडल को रखना है। ठीक है, तो गाइस मॉडल है जो गाइस आपको नीचे के साइड में कुछ स्टेप्स रखना है। एंड गाइस, जो आपका जो मतलब कि एक साइड में जो मतलब कि जो एक शीट है जो हमारे इसकी जो बुक की, वो गाइस देखिए आप सभी को एक अलग ही दिख रही होगी, बट उसको वहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को रेस करना है। तो उसका गाइस ओपेसिटी कम करके इरेजर टूल में जाकर हार्डनेस को फुल कर लेना है। एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना आप सभी को। एंड गाइस देखिए, कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे इसको रेस करना है। ठीक है, तो गाइस इसको मैं फटाफट करता हूँ। तो गाइस इतना कर देने के बाद आप सभी गाइस दोबारा ऐड फोटो में जा रहा है। एंड गाइस यहाँ से आप सभी अपने मॉडल के पीछे जो है शेडो बनानी है। तो गाइस जैसे आप सभी कुछ स्टेप्स ऐसे ब्लैक शीट लेनी है। एंड गाइस यहाँ पे इसको इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट करके ब्रश लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी अपने जो मॉडल है उसके बैकग्राउंड में कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है। ठीक है गाइस, इस तरीके से। एंड गाइस ये जो आप सभी को भी ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो हमारे फ्रंट के ऊपर शेडो बन रही है, बैक के कहाँ पास कहाँ बन रही है, तो गाइस आप सभी को कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर डन करना है। एंड गाइस आपको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन देख रहा है आप उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देना है। एंड गाइस की ओपेसिटी यहाँ पे आपको कम कर लेनी है। एंड गाइस आप देख सकते हो हमारी कितनी अच्छी रियलिस्टिक टाइप की एकदम शेडो बन चुकी है। ठीक है, तो इतना कुछ अमाउंट आप सभी को रख लेना शेडो का। ठीक है, एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना, अभी डन नहीं करना, आपको जाना ऐड फोटो में, दोबारा से उसी ब्लैक शीट को लेना है। फिर गाइस आपको सेम चीज वही करना, आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस वापस से इरेजर टूल में जाकर उसको इन्वर्ट करके ब्रश को लेना है। एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रखे आपको फोटो को जूम करके आपको अपने पैरों के नीचे शेडो बनानी है कुछ इस टाइप से। तो गाइस मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से ही ऐसे पेंट करूंगा। ठीक है, तो आप सभी कुछ इस टाइप से पेंट करना है एंड इस तरीके से शेडो बनानी है। ठीक है, फिर सेम चीज़ आप सभी को वही करना है, ऐसे डन करना है, इसको मूव डाउन कर देना है यहाँ पे। एंड गाइस देखिए नीचे चले जाएगा, एंड इसके ऑपोजिट जब आप कम करोगे तो गाइस देखिए एकदम रियल टाइप की शेडो हमारी बन चुकी है। ठीक है, तो अब गाइस इसको हम यहाँ पे डन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता यार कुछ मतलब अगर कुछ काम रह गया हमारा, तो यहाँ से अब क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे बैक चलते हैं। एंड यहाँ से गाइस इस फोटो का मैं यहाँ पे ड्रॉ टूल में ले जाके सेव कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस जो कलर करेक्शन है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो वाला पार्ट जरूर देखना है। अभी हम इसको सेव करते हैं, इसको यहाँ से लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप पे। लाइट रूम ऐप में गाइस मैंने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस आपको इसको बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट है गाइस इसको आप सभी को थोड़ा इंक्रीज करना है। एंड जो गाइस शेडो है इसको आपको थोड़ा कम कर देना है। एंड जो गाइस यहाँ पे व्हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर जाना आपको कलर्स वाला ऑप्शन में, इसका जो वाइब्रेशन है आपको उसको बढ़ा देना है, टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है। इसका सैचुरेशन आप चाहो तो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपको फेस के अकॉर्डिंग। एंड जो डार्क ब्लू है इसका सैचुरेशन आपको यहाँ पे माइनस कर दे रहा है। फिर गाइस यहाँ पे आपको जो थ्री डॉट दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको शेडो के सामने जो पॉइंट दिख रहा है आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। एंड इसको गाइस ले जाना आपको ऑरेंज टोन में, ह्यू को जो है ऑरेंज टोन में ले जाना है। ठीक है, एंड जो सैचुरेशन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। ठीक है, अराउंड 13 तक कुछ बढ़ा देना है। फिर जाना आप सभी को गाइस मिड टोन में, आप उसको भी आपको ऑरेंज टोन में ले जाना है। एंड इसके बाद आपको उसको भी थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जाना आपको गाइस हाईलाइट में, आपको उसको भी ऑरेंज टोन में ले जाना है। एंड इसको आपको जो सैचुरेशन है इसको भी यहाँ पे बढ़ा देना है। तो गाइस देखिए एकदम मतलब कि एकदम आप हमारी बैकग्राउंड से हमारा मॉडल बिल्कुल मैच हो चुका है, बट अभी थोड़ा काम और रह गया है हमारा। तो इसमें टूल में जाएंगे एंड इसकी हम क्लियरिटी बढ़ा देंगे। एंड जो फोटो में विग्रेट है वो आपको अपने हिसाब से डाल देना है। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा आपकी ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस नोट रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है। फिर आपको नीचे मिलेगा कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने। तो गाइस ऐसा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूं सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।